दोस्तों आजकल इंडिया में जिससे पूछो उसको माल्टा जाना है। जी हाँ, सबको माल्टा जाना है। मेरे पास पता नहीं दिन भर में कितनी सारी क्वेरीज आती हैं कि सर माल्टा भेज दो, सर माल्टा की जॉब बता दो, सर माल्टा की एजेंसी बता दो, सर माल्टा का सीवी बना दो। सबको माल्टा जाना है, सबको माल्टा जाना है। लेकिन मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि माल्टा मत जाना अगर। जी हाँ दोस्तों, वो अगर क्या है, क्यों नहीं जाना चाहिए आपको माल्टा, ये सारी की सारी चीजें, सारे के सारे रीजंस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैंने माना कि माल्टा एक बहुत ही सुंदर देश है, बहुत ही अच्छी जगह है, वहां पर जॉब्स ही जॉब्स है, वहां पर कोई भी जाकर के काम कर सकता है। लेकिन मैं आपको अभी बता दूं कि कोई भी जाकर के काम नहीं कर सकता है। यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस और एजुकेशन मैटर नहीं करता है दोस्तों। अगर आपके पास कम एक्सपीरियंस है, कम एजुकेशन है, तो भी आप वहां जाकर के काम कर सकते हो। यहाँ पर मैटर करता है आपके स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप वहां जाकर के काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने अभी से ही मन में बैठा रखा है कि मैं माल्टा में जाकर के काम नहीं कर सकता, मैं जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, तो आप माल्टा नहीं जा पाओगे, और आपको जाने का हक भी नहीं है दोस्तों। मैं बता दूं क्यों। जरूरी नहीं कि जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसके पास एजुकेशन हो, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के काम कर सकता है, भले वो कितना भी आलसी क्यों ना हो। दोस्तों अगर आप जरा से भी आलसी हुए तो आप इंडिया से बाहर तो नहीं टिक पाओगे, मैं आपको अभी बता दूं। ठीक है, वहां पर अगर आपको 8 घंटे काम करने के लाखों रुपए मिल रहे हैं, तो वहां पर आपको 8 घंटे काम करने हैं, आलसपना नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप आलसी हो, अगर आप मेहनत करने से कतराते हो, तो आपको माल्टा नहीं जाना चाहिए। आपको माल्टा क्या दोस्तों, आपको नेपाल नहीं जाना चाहिए। आप माल्टा की बात तो दूर ही छोड़ दो, यूरोप का तो सपना ही निकाल दो दिमाग से। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपको लगता है आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप वहां जाके काम नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आप अपने मन में ठान बैठे हो दोस्तों कि आपको माल्टा जाकर के काम करना है, यूरोप में पैसे कमाने हैं, लाखों रुपए कमाने हैं, और अपनी फैमिली का भविष्य बनाना है दोस्तों, तो आपको अंदर अपने कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। जी हाँ, आप बस ये मत सोचो कि आपने सीवी और कवर लेटर बना लिया तो आपको जॉब मिल जाएगी। नहीं, इसके बाद भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं दोस्तों। अप्लाई करना होता है खुद से आपको। ठीक है, लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप पैसे ले लो, अप्लाई कर दो। मैं मना करता हूं उनको भाई कि मुझे पैसे मत दो, आप खुद से अप्लाई करो, एक बार ट्राई तो करके देखो। ठीक है, सारे वेबसाइट्स का इंटरफेस एक ही होता है। मैं आपको वेबसाइट पर ले जाकर के दिखाता हूं, अप्लाई करके दिखाता हूं। आपकी वजह से पता नहीं 250 जॉब्स के लिए तो मैंने अप्लाई कर दिया है, दोनों चैनल को मिला करके, उसके बावजूद आपको अप्लाई करना नहीं आ रहा है। आपको वेबसाइट के लिंक दे देता हूं, आपको सर्च भी नहीं करना है कुछ भी, लिंक पे क्लिक करोगे वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, उसके बाद करियर, वैकेंसीज, अप्लाई नाउ, सब कुछ सेम ही होता है हर वेबसाइट पे। उसके बाद भी आप आलसपन नहीं करोगे, आपको ये लगता है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं किसी से भी कुछ भी करवा सकता हूं, ऐसा नहीं होता है। मैं 2 जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, उससे कुछ भी नहीं होगा आपका। ठीक है, बाकी के यूट्यूबर्स करते हैं कि मेरे को पैसे दे दो मैं अप्लाई कर दूंगा, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं दोस्तों, मैं वैसा नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा कि आप खुद से अप्लाई करो, दिन में 10 जॉब के लिए अप्लाई करो। मैं 1 जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, आपका पैसा व्यर्थ हो जाएगा दोस्तों। मेरे 1 जॉब के अप्लाई करने से कितने चांसेस बनते हैं आपके, कुछ भी नहीं। इसीलिए खुद से मेहनत करो, खुद से सीखो, 1 घंटा टाइम दो वेबसाइट्स पे, फिर अप्लाई करने की कोशिश करो। एक बार अप्लाई कर दिया तो आप कहीं भी अप्लाई कर पाओगे, सिंपल। बार बार ये चीज नहीं समझाऊंगा आपको मैं। उसके बाद अप्लाई करने के बाद अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो इंटरव्यू कैसे दोगे, मैं देने आऊंगा क्या? बहुत सारे लोग डरते हैं कि सर नहीं हो पाएगा इंटरव्यू, नहीं ये नहीं हो पाएगा, सर मेरे पास इंग्लिश नहीं आती है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। भाई 2-4 कॉमेडी वीडियोस कम देख लो इंस्टाग्राम पर, रील कम चला लो, ठीक है, यूट्यूब कम चला लो, इंग्लिश लर्निंग वाली जो वीडियोस होती है वो देख लो दोस्तों। 1 महीना देखोगे ना तो आपको ये तो हो जाएगा कम से कम कि आप लोगों की बातें समझ पाओगे, बेसिक सी अंग्रेजी समझ पाओगे और बेसिक सी अंग्रेजी बोल पाओगे, अपने बारे में बता पाओगे कि हाँ मैं ये हूं, मैंने ये काम किया है, मैं यहां से यहां तक बिलोंग करता हूं, समझ लो। इन सारी चीजों के लिए आपको खुद पे टाइम देना पड़ेगा। अगर आप बैठ करके सिर्फ हमारी वीडियोस देखते जा रहे हो और हम जो आपको बता रहे हैं वो सारी चीजें देखते जा रहे हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ठीक है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन पे एक्ट भी तो करो। फर्स्ट व्यू, फर्स्ट कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। माना मैंने जो आपके लिए वीडियो बनाई वो इन्फॉर्मेशन ली आपने, उस इन्फॉर्मेशन पे एक्ट करो। अगर सीवी और कवर लेटर है तो जल्दी से अप्लाई करो, नहीं है तो खुद से बनाओ, खुद से बनाना नहीं आता है तो सीखो, जब सीख करके थक जाओ तब हमें कॉन्टैक्ट करो नीचे दिए गए नंबर पे, समझ रहे हो। इतना आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। लेकिन अगर आप मेहनत करने से कतराते हो, अगर आप आलसी हो, अगर आपको इंग्लिश की जरा से भी एक कतरा भी नहीं आता, ठीक है, आपको लगता है कि आप जा ही नहीं सकते वहां पर, तो आप माल्टा मत जाना। ठीक है, आपको माल्टा जाने का हक नहीं है, आप इंडिया में ही करो काम। ठीक है, आप अपनी मेंटालिटी से निकाल ही नहीं पा रहे हो इंडियन सोच, तो आप बाहर कैसे जाओगे। अभी मोबाइल के एक स्क्रीन को देख करके डर जाते हो जिसमें 4 लाइनें लिखी रहती हैं अंग्रेजी की, कल को आप एक ऐसे देश में चले जाओगे जहां पर पूरा देश ही अंग्रेजों से भरा हुआ है, तो आप कैसे काम करोगे।
आप तो दुपक जाओगे बिल में। ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू के लिए तैयारियां करनी पड़ेंगी, आपको सीवी और कवर लेटर बना के जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इस पूरे प्रोसेस को जब धीरे धीरे करके आप कंप्लीट करना चालू कर देंगे, तब जाके कहीं ना कहीं आपके चांसेस बनते हैं कि आप यूरोप जा सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं होता कि सीवी और कवर लेटर बना लिया, मेरे सीवी और कवर लेटर बना देने से आप जस्ट यूरोप पहुंच जाओगे, नहीं, बहुत कुछ होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन शुरुआत सीवी और कवर लेटर से होती है, इसीलिए बनाओ। और मैं जो चीज़ें लेकर के आता हूँ आप तक, जो इन्फॉर्मेशन लेकर के आता हूँ, उस पर एक्ट करो, बात खत्म, ज़्यादा नहीं बोलूँगा दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।